पता है सूत्रों से, तो क्या स्पीकर तेलुगुदेशम पार्टी का होगा ये जानना देश के लिए जरूरी है। नहीं, आज का मैं मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं, स्पीकर का मुद्दा भी है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन जैसे शिवराज सिंह चौहान, ये आप क्योंकि मंत्रिमंडल में पहली बार आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली बार आ रहे हैं, तो आपको आप इनको किस मंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, मैं मेरा ये मानना है एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, कि भारत के प्रजातंत्र में चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे मंत्री पद हो, उसमें ये क्वालिटी बड़ी जरूरी होती है कि आप किस तरीके से ऑपोजिशन को भी साथ लेकर के चल सकते हैं। ये क्वालिटी श्री नितिन गडकरी में हमको दिखी, जब वो फर्स्ट टाइम मिनिस्टर बने थे और दिल्ली लैंड अप करे थे, वो सीधा अजय भवन आए और उनसे 35 साल बड़े एवी वर्धन से मिले, मीडिया ने उनको घेर लिया, बोला कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर में क्यों आए हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी फॉर सम लीडर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम थी। तो जब आप गठबंधन की सरकार चलाते हैं तो ये क्वालिटीज बड़ी जरूरी है, अपने घटक दलों को साथ लेकर के चलना, और ऑपोजिशन इस बार स्ट्रांग है, बड़ा चैलेंज आपको समाजवादी पार्टी से। चलिए अब गुरु प्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं, बहुत बातें हो गई बीजेपी के ऊपर उंगली उठाती हुई, मैं मंत्रिमंडल पे बात करना चाह रहा था। गुरु प्रकाश जी, नहीं देखिए किशोर जी, मंत्रिमंडल बहुत ही बैलेंस्ड है, और बहुत अच्छी बात बोली अभी विवेक जी ने भी कि देखिए बैलेंस की आवश्यकता होती है, और हम सब इस बात को मानने वाले लोग हैं। गठबंधन की बात कर रहे थे अटल जी पे आपने टिप्पणी की, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में गठबंधन को धर्म का दर्जा दिया था। कोलिशन धर्मा ये शब्द भारत के राजनीतिक व्याकरण में यदि कोई लेकर के आया तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने एक ऐसा डिस्पैरिट अलायंस चलाया था जिसमें फारूक अब्दुल्ला जी भी रहे, करुणा नदी जी भी रहे, ममता दीदी भी रहीं, और आज भी हम देख रहे हैं कि एनडीए की जब बात होती है तो एनडीए में इतने सारे दलों का साथ आया है, एक रेनबो बनकर के साथ आया है, और नेतृत्व में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो बिल्कुल ही एक अच्छा सा संगम बना है, सभी विचारधारा के लोग हैं, सब साथ में राष्ट्र सर्वोपरि नेशन फर्स्ट के साथ लोग काम करने वाले हैं। जहां तक मंत्रालय विभाग की बात है, किशोर जी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शाम तक का वेट करने की आवश्यकता है, रात तक शायद वो सूची बाहर आ जाएगी कौन किस मंत्रालय में जाएगा, ये हमारे गहन चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन रात तक वो स्पष्ट हो जाएगा। और बड़े मंत्रालय ये भी समझ में आ रहे हैं, जो बड़े चार मुख्य मंत्रालय हैं वो तो बीजेपी के पास ही रहने वाले हैं। जी हाँ, अभी तक जो देखने में आया है, जो स्पेकुलेशंस हो रहे हैं उस हिसाब से गृह मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, ये शायद भारतीय जनता पार्टी के पास रहे, और जो है वो स्पष्ट हो जाएगा, मुझे लगता है उस पर अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। अच्छा चलिए, वो क्योंकि आप तो उस पर टिप्पणी जाहिर सी बात है नहीं कर पाएंगे, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं अनुराग जी से जानना चाहूँगा। अनुराग जी, ये चार मंत्रालय बीजेपी के पास रहेंगे ऐसा दिख रहा है, और ये चारों मंत्री भी वही रहेंगे जो पिछली बार थे, ऐसा ही आपको लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हाल लोकतंत्र में अभी हुआ है, ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बन जाती है कि अब उनको मंत्री पद अपने बदल देने चाहिए, क्योंकि वो जो देखने को मिला 5 सालों में जिस तरह का दुरुपयोग रहा सत्ता का, तो मुझे लगता है कि अभी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे एनडीए जो उनके गठबंधन है, ये उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि सिस्टम को बदलें, और जो आप कह रहे हैं कि मंत्री बदलने चाहिए, मतलब मंत्री तो हैं वही, नहीं नहीं जनता ने जो चेहरे वही हैं, जनता ने जो आपको नकारा है उसको ध्यान में रखते हुए जनता को नकारा नकार दो सौ देखो आप, हाँ। आपको आपको बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है, 240 पूर्ण बहुमत नहीं है, आपको भी नहीं है ना पूर्ण बहुमत, उन्हें भी नहीं है ना, जब उनको भी नहीं है तो उनको नकारा है, उनके गठबंधन को तो पूर्ण बहुमत है, जो चुनाव पूर्ण गठबंधन था, उनका जो गठबंधन है वो गठबंधन आप भी जानते हैं, नीतीश जी के साथ अभी गठबंधन थोड़े दिन पहले बनाया, चुनाव से पहले तो बनाया ना, मैं चुनाव पूर्व तो है ना, आदरणीय नीतीश जी को क्या बोलते थे, हमें इस पे नहीं जाना चाहता हूं, या उन्होंने चंद्रबाबू नायडू जी के साथ जो अभी थोड़े दिन पहले बनाया, तो आप भारतीय जनता पार्टी को जानते हो कि ये सबका साथ सबके विकास की बात करती है लेकिन करती नहीं है, चलती अकेले है, तो ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और उनके जो नेता है उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि अगर जनता ने आपको नकारा है तो आप अपने सिस्टम में झांकिए कि क्या गलती है, उसको सुधारिए, ज्यादा अच्छा होगा। नकारा शब्द का खैर इस्तेमाल आप कर रहे हैं गुरु प्रकाश जी, बहरहाल क्या कुछ चेंजेस उस तरीके से देखने कुछ उम्मीद कर सकते हैं हम? एक तो नए अलाइज तो आएंगे ही, अलाइज तो जुड़ ही रहे हैं, जैसे जयंत चौधरी होंगे, जितना मांझी होंगे, ये सब मंत्रिमंडल में होंगे, एच डी कुमार स्वामी होंगे, जो बीजेपी के मंत्री हैं उनमें भी कुछ फेर, कुछ ना कुछ फेर बदल तो देख ही सकते हैं हम।
आने देखिए किशोर जी, अभी मैं अनुराग जी की बातों को सुन रहा था, मैं बीच में काटना नहीं चाहता था और पुनः मैं वो आंकड़े देना नहीं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की अकेले जितनी सीटें उतनी अलायंस की नहीं है। हम 240 हैं, कांग्रेस हमसे 140 सीटें कम है, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम हर जगह वोट प्रतिशत में हमारा वृद्धि बहुत है। तो वो डिबेट अब डन एंड डस्टेड हो गया है। 4 तारीख को जब से वो नतीजे आ गए हैं, 240 का हमारा आंकड़ा आ गया है, तो डिबेट पे पूर्ण विराम लग चुका है। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, एनडीए जो कि प्री पोल अलायंस था, 303 सांसदों के समर्थन के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तो उसमें कुछ भी बोलना ये अपने अपने अनर्गल विषय होगा मुझे लगता है। जहां तक मंत्रालय की बात है, निश्चित रूप से किशोर जी, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, लैंगिक समानता की बात, क्षेत्रीय विविधता की बात, अलग अलग जातियों को सम्मान और प्रतिनिधित्व देने की बात, हमने पहली बार देखा किशोर जी की 35% तक ओबीसी समाज के लोगों को मंत्रालय में स्थान मोदी जी के दौर में मिला, 12 दलित समाज के लोग, 9 अनुसूचित जनजाति समाज के लोग, और अभी हमने सांसद में भी देखा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से एक विविधता, जो देश में विविधता है वो सदन में भी दिखे, जो देश में विविधता है वो मंत्रिमंडल में भी दिखे, ये प्रयास लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं। आपने आपने मैंने जैसा आपने आपने मंत्रिमंडल की विविधता की बात की, ऐसा दिख रहा है कि कुछ राज्यों को ज्यादा वजन है इस मंत्रिमंडल में, जैसे कि महाराष्ट्र, नितिन गडकरी साहब, रक्षा खड़से जी, प्रताप राव जाधव, पीयूष गोयल, मुरलीधर मोहोल, रामदास आठवले, ये सब महाराष्ट्र से दिख रहे हैं इस मंत्रिमंडल में। ये भी देखा जाता है ना गुरुप्रकाश जी की, जहाँ चुनाव होने वाले होते हैं वहाँ पर मंत्री ज़्यादा बना दिए जाते हैं, ये वाली परंपरा आपका कब खत्म होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है। देखिए महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है किशोर जी, 48 सांसद वहाँ से आते हैं, 48 MPs वहाँ से आते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ से ये जो प्रतिनिधित्व मिला है ये बहुत ही स्वाभाविक सा है। लेकिन क्षेत्र की अगर आप बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से किरण रिजिजू जी आज तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं, तीसरी बार। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, त्रिपुरा से प्रतिमा भौमिक जी ने शपथ लिया था। आपको पता होगा त्रिपुरा से कोई भी महिला, त्रिपुरा से कोई भी व्यक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली बार कब आया, तो NDA के शासनकाल में आया। तो निश्चित रूप से आप देखिए कि पहले पहली बार नागालैंड से एक आदिवासी महिला कोनिया समाज से जो आती हैं वो राज्यसभा में पहली बार आई हैं। तो ये प्रयास हमारा है कि हर प्रकार, हर क्षेत्र से बिना किसी भेदभाव से सबको समान प्रतिनिधित्व मिले। जहाँ चुनाव होती है तो उसकी पॉलिटिकल कुछ डिमांड्स होते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा में आपके 5 जीत के आए, 3 मंत्री बन रहे हैं, 5 लोग जीत के आए, 3 मंत्री बन रहे हैं, मनोहर लाल जी, राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल गुर्जर जी। देखिए उसमें ये आपने अच्छा पॉइंट बोला है किशोर जी, देखिए हरियाणा में जो लोग मंत्री बन रहे हैं, जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनका अच्छा खासा प्रभाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखिए आप, राजस्थान देखिए आप, जाट समाज हो, गुजर समाज हो, ये लगातार एक बहुत बड़ी संख्या में उस क्षेत्र में मौजूद है। तो उस समाज का प्रतिनिधित्व मिलना ये बहुत ही स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, ये बहुत ही नेचुरल सा प्रोसेस है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको इतने हिस्से मिलने चाहिए वहाँ पे, और उसी का परिणाम है कि हम गुजर समाज से, जाट समाज से एक बड़े मात्रा में प्रतिनिधित्व हम देख रहे हैं। ये तो इससे तो सहमत होंगे अनुराग जी आप? देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को देखिए हरियाणा में 3 जीते हैं, 5 जीते हैं, 5 में 3 को मंत्री बनाया। तो वो कह रहे हैं कि उनके समुदाय भी देखिए ना, कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी हैं। सुन तो लीजिए, दरअसल में क्या है कि अब उनको इस बात का एहसास है कि अभी हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और जनता अब मुझे चुनने वाली नहीं है, तो वो कोशिश कर रहे हैं। ये 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 इनकी जो सोच है वो सोच ये है इनकी, क्या ये तो हर सरकार में ये दिखा रहा है जिसकी जब ये ऐसा, तो आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे ये पहली बार हो रहा हो। अरे नहीं नहीं, तो अब जब ये तो कहते थे ना हम कुछ नया देश के अंदर लेके आएंगे, तो नया आप क्या लेके आए? आपकी 10 साल की सरकार में नया तो कुछ लेके नहीं आए, आप वही कर रहे हैं। तो मतलब अब ये शिकायत ये है कि ये वही कर रहे हैं जैसे पहले हो रहा था, तो वो नया नहीं है इसलिए मेरा कहने का मतलब कि ये सिर्फ जनता के सामने झूठ परोसते हैं और जनता। नहीं, मेरा सिर्फ एक सवाल हुआ अनुराग जी, हर चीज में ही ऐसी नुक्ताचीनी निकालते रहेंगे। ये लेकर आए कि मुलायम सिंह जी को सम्मानित किया, देखिए विपक्ष के नेता को सम्मानित किया, ये नया नहीं था। ये हमारे देश जमीन पे जुड़े जो लोग काम कर रहे थे, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण, अरे रुकिए ना, मैं बोलने दीजिए, उनको दिया। अरे मैं बोल जुगाड़ वाले लोगों को नहीं दिया, पहले एलीट क्लास ले जाता था, कौन ले जाता था, नहीं ले जाता था, फिर सुन लीजिए मेरे, नया ये था कि इस देश के अंदर में आप बुलवाइए नहीं, आज के दिन में ये सब मत बुलवाइए। नया ये था कि आपके नेता के बारे में क्या
क्या क्या बोला गया अभी चला देंगे तो आपको शर्म आने लगे। ये नया था, ये नया था, पूर्व गठबंधन हो गया विवेक जी। अच्छा छोड़िए, अरे चलिए फिर शपथ ग्रहण फिर शपथ बात हो रही मंत्री की चले जाते हो मुलायम सिंह यादव जी के पास में। अरे शर्म तो रखो थोड़ी, क्या नेता के बारे में बोला था, मानसिक स्थिति पे सवाल उठा दिया था, हम उस पर जाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मंत्रिमंडल पे आते हैं, रुकिए एक मिनट, आप दूसरी जगह भाग जाते हो। एक मिनट, क्या आपका